हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके गाइडेंस। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम बात करेंगे आरसीसी ईस्टर्न रेलवे रिक्रूटमेंट के बारे में। ये वैकेंसी आई है ईस्टर्न रेलवे रिक्रूटमेंट की तरफ से अंडर स्काउट गाइड कोटा फॉर ग्रुप सी एंड ग्रुप डी पोस्ट के लिए। ठीक है, अभी हम इसका डिटेल में देख लेते हैं। ये ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए वैकेंसी निकली है। जॉब लोकेशन एनीवेयर इन द ईस्टर्न रेलवे आपको जॉब लगेगा। टोटल वैकेंसी 10 है फ्रेंड्स, कम है वैकेंसी, लेकिन अगर आप एलिजिबल हो, आपके क्वालिफिकेशन मैच कर रहे हैं, तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिए। डजेंट मैटर कितना वैकेंसी है। कैटेगरी रेलवे जॉब होगा। मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑफलाइन है एंड लास्ट डेट है इसका 4 सितंबर 2017। चलिए डिटेल में देख लेते हैं। अगर आप ग्रुप सी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसकी टोटल वैकेंसी 2 हैं। मैक्सिमम एज लिमिट है 28 ईयर। ओबीसी के लिए 3 ईयर एंड एससी और एसटी के लिए 5 ईयर की छूट है। इसकी क्वालिफिकेशन अगर आप नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी में आते हो एनटीपीसी, तो आपको 12th पास होना चाहिए विथ नॉट लेस देन 50% मार्क्स इन द एग्रीगेट। और अगर आप एससी एसटी या एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी में आते हो, तो ये जो मार्क्स का बेसिक लिमिट दिया है, वो आपको उसकी छूट है मार्क्स की। और इसकी पे स्केल होगी 5200 to 20200 एंड ग्रेड पे रहेगा 1900। इसकी स्काउट और गाइड की क्वालिफिकेशन हम आगे देखेंगे। ग्रुप डी के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो नंबर ऑफ़ वैकेंसी 8 है। मैक्सिमम एज लिमिट है 31 ईयर। यहाँ पे भी सेम, ओबीसी के लिए 3 ईयर, एससी एसटी के लिए 5 ईयर की छूट है। इसमें क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 10th पास होना चाहिए या फिर आईटीआई डिप्लोमा किया होना चाहिए अपने एनईसी से, ग्रांटेड बाय एनसीवीटी और एससीवीटी। इसकी भी पे स्केल सेम है 5200 to 20200। इसकी ग्रेड पे है 1800। ओके, अगर आप स्काउट गाइड के कैटेगरी में आते हो तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? प्रेसिडेंट स्काउट गाइड रोवर रैंगर और हिमालय वुड बैज होल्डर आप होने चाहिए। एंड आपके पास आप एक्टिव मेंबर होने चाहिए स्काउट ऑर्गेनाइजेशन के फॉर एटलीस्ट 5 ईयर के लिए। आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ एक्टिवनेस का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो आपको अटैच करना होगा फॉर्म में। ओके, एंड आपने 2 इवेंट अटेंड किए होने चाहिए, एक नेशनल लेवल पे और एक स्टेट लेवल पे। नेशनल लेवल पे या फिर ऑल इंडियन रेलवे, और 2 इवेंट एट स्टेट लेवल पे आपको अटेंड किया होना चाहिए। ये सब इम्पॉर्टेंट है, देन ओनली आप एलिजिबल हो ये पोस्ट के लिए। ओके, सिलेक्शन प्रोसीजर आपका इंटरव्यू और रिटन टेस्ट होगा। इसकी एप्लीकेशन फ़ी क्या होगी? 500 रुपीज़ होगी अदर कैंडिडेट के लिए। और जो एससी एसटी एक्स सर्विसमैन पीडब्ल्यूडी वुमेन माइनॉरिटी एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस में आते हैं, उनके लिए 250 रुपीज़ चार्जेस होंगे। आपको ये जो फीस भरने हैं, ये इंडियन पोस्ट और ऑर्डर के थ्रू ही भेजने हैं। अगर आप डिमांड ड्राफ्ट चेक मनी ऑर्डर जो भी करोगे, तो वो एक्सेप्टेड नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। सो ओनली इंडियन पोस्टल ऑर्डर ही एक्सेप्ट होगा। सो ये मार्क कर लीजिए। देखिए, यहाँ पे मेरा एड्रेस दिया हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया, ये ऑफलाइन प्रोसेस है, तो आपको फॉर्म डाउनलोड करना होगा, देन उसको भर के पोस्ट करना होगा। तो आपको ऑर्डिनरी पोस्ट से ही भेजना है, कोई कुरियर पोस्ट रजिस्टर पोस्ट स्पीड पोस्ट से नहीं भेजना है, वो एक्सेप्ट नहीं होगा, ओनली ऑर्डरी पोस्ट। देखिए, यहाँ पे एड्रेस दिया है मैंने, चीफ पर्सनल ऑफिसर ईस्टर्न रेलवे 17 नेताजी सुभाष रोड फर्स्ट फ्लोर, सीपीओ ऑफिस रिक्रूटमेंट सेक्शन फेयरली प्लेस कोलकाता 700001। ठीक है, इस पर आपको भेजना होगा आपका एनवलप, जो आपका फॉर्म होगा। देखिए, यहाँ पर मैंने एप्लीकेशन फॉर्मेट लिंक दिया हुआ है। जब आप ये लिंक पे जाओगे, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, तो उसमें आपको जैसे आप ओपन करोगे तो उसमें सारी डिटेल्स आ जाएंगी उस पोस्ट के बारे में। सो आपको पहले ये पढ़ना है, बिकॉज उसमें सारी डिटेल रहेगी, क्वालिफिकेशन और सिलेक्शन प्रोसीजर सब कुछ रहेगा। तो वो पढ़ लीजिए, देन आप नीचे स्क्रॉल करोगे जब, तो आपके पास उसमें एप्लीकेशन फॉर्म भी रहेगा। अभी हम डिटेल में देखते हैं आगे कि हमें कैसे फॉर्म फिलअप वगैरह करने हैं। ठीक है, ये देखिए, जैसे ही आप वो नोटिफिकेशन पे क्लिक करोगे लिंक पे, तो आपके सामने ये लिंक ओपन हो जाएगा नोटिफिकेशन। ठीक है, इसमें सारी डिटेल दी गई है पोस्ट की, ये मैं आपको ऑलरेडी सब बता चुकी हूँ। ये सब आप अच्छे से पढ़ लीजिए, इसमें सारी डिटेल में दिया हुआ है आपका पोस्ट का सारी डिटेल। ये देखिए, यहाँ पे रिटन एग्जाम्स के बारे में भी दिया हुआ है। टोटल 100 मार्क का होगा, 50 मार्क का रिटन टेस्ट होगा, 10 मार्क्स आपके स्काउटिंग स्किल पे रहेगा, देन 40 मार्क्स आपके मार्क्स ऑन सर्टिफिकेट पे रहेगा। यहाँ पे डिटेल में दिया है कितने मार्क्स कितने किसको अलॉट किए गए हैं, तो ये सब आप पढ़ लीजिए। ठीक है, जैसे आप इसे स्क्रॉल करेंगे, तो देखिए यहाँ पर ये फॉर्म आ गया।
ये फॉर्म आपको या तो आप यहाँ पे भर के प्रिंट आउट ले सकते हो, अदरवाइज प्रिंट आउट पहले ले लीजिए, फिर आप खुद इसे भर के पोस्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखिए ऊपर आपको फ़ोटो आपकी चिपकानी होगी, देन आपका सारा डिटेल देना होगा, आपका नाम, आपका फादर, मदर नेम, देन आपका एड्रेस, पिन कोड, ब्लॉक लेटर में आपको सब सबमिट करना होगा, देन आपका नेम ऑफ द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन क्या है वो डालना होगा, देन कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, एज एज ऑन 1/1/2018 के हिसाब से आपको करना है, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, सिंगल हो, मैरिड हो, नेशनलिटी सब आपको फिलअप करनी है, कम्युनिटी अगर आप किसी कैटेगरी में आते हो तो वो फिलअप कीजिए, देन आपके यहाँ पे क्वालिफिकेशन है, देखिए यहाँ पे नहीं, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन, आप कौन सी कैटेगरी में आते हो, अगर आप किसी कैटेगरी में आते हो तो यहाँ पे टिक कीजिए, एक्स सर्विस मैन, PWD, किस बैकवर्ड क्लास में आते हो, विडो हो, डाइवोर्स हो, जो भी हो वो आपको क्लिक करना है यहाँ पे, ठीक है। फिर इन केस ऑफ सर्विंग एम्प्लॉय, अगर आप कहीं काम कर रहे हो तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो करना है। अगर आप यस करते हो तो आपको उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है, कब से आपने ज्वाइन किया है, डेजिग्नेशन क्या है आपका, एड्रेस ऑफ एम्प्लॉयर, वो सब आपको डालना है। देन आपको 2 पर्सनल मार्क और आइडेंटिफिकेशन देना है, लाइक आपके बॉडी पे कोई मोल या कोई मार्क कट्स रहेंगे तो वो आपको बताने हैं, जैसे कि मोल ऑन द फेस वगैरह कुछ भी आपको जो रहेगा वो आपको लिखना है। देन आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल देना है, आपके आपका ईयर ऑफ पासिंग, यूनिवर्सिटी, परसेंटेज, क्लास सब देना है। देन स्काउट गाइड की कैटेगरी में आते हो तो उसके सारे डिटेल्स, आपके ईयर, सर्टिफिकेट्स, डेट्स सब आपको फिलअप करने हैं, आपने मेंबरशिप कब ज्वाइन की, उसका डेट, कौन से इवेंट अटेंड किए, कब अटेंड किए, उसके प्लेस वगैरह सब आपके पास होंगे, वो सब आपको फिलअप करने हैं। अदर क्वालिफिकेशन कोई है तो वो भी अटैच कीजिए, उसमें लिखिए, एंड कौन से लैंग्वेज में आप पेपर देना ये करोगे, प्रिफर करोगे, हिंदी और इंग्लिश, वो उसे लिखिए। देन यहाँ पे लेफ्ट थंब इंप्रेशन आपको देना है, देन फुल सिग्नेचर आपको करना है। देखिए यहाँ पे नीचे सारे डॉक्यूमेंट्स कौन से आपको अटैच करने हैं वो भी दिए हुए हैं, आपका एज प्रूफ कोई आपको देना होगा, कोई 10th का सर्टिफिकेट या कोई दूसरा 12th का, देन आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो सर्टिफिकेट रहेंगे वो सब आपको जेरोक्स करके अटैच करके इसमें सेंड करना होगा। स्काउट गाइड का कोई सर्टिफिकेट रहेगा वो अटैच करना है, अगर आप किसी कैटेगरी में आते हो, एज रिलैक्सेशन का आप ले रहे हो तो फिर उसका भी आपको कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह अटैच करना है, एक्टिवनेस फॉर रिसेंट 5 past 5 ईयर का वो भी सर्टिफिकेट आपको अटैच करना है, देन कोई आपने इवेंट अटेंड किया उसका सर्टिफिकेट वो अटैच करना है, अदर क्वालिफिकेशन का 2 passport size photograph जो आपकी रहेगी वो आपको एप्लीकेशन के साथ सेंड करनी है, उसके पीछे आपको नाम आपका लिखना है, ठीक है। 2 self address envelope आपको सेंड करने हैं, उसमें आपका पूरा नाम और आपका पोस्टल एड्रेस विद पिन कोड आपको सेंड करना है, जब कभी आपका रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए कुछ कॉल आएगा जो भी तो वो लोग आपको एक सेंड करेंगे। पोस्टल ऑर्डर कास्ट सर्टिफिकेट्स के जो भी सर्टिफिकेट्स आपके हैं वो सारे आपको अटैच करके सेंड करने होंगे, और जो SC ST के कैटेगरी में आते हैं उन्हें रिटर्न टेस्ट के लिए फ्री रेलवे पास भी दिया जाएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे कुछ सर्टिफिकेट्स दिए हैं, ये भी आपको अटैच लिखना होगा, यहाँ पे अटैच करना होगा। सर्टिफिकेट ऑफ एक्टिवनेस ये आपको सब भर के आपके पास रहेगा, वो सारी डिटेल यहाँ पे भर के आपको सेंड करना होगा। देन डिक्लेरेशन फॉर अपॉइंटमेंट ये आप भर दीजिए, यहाँ पे आपका नाम और नेम और प्लेस, डेट, सिग्नेचर, ये लोग आपको बाद में वो लोग सेंड करेंगे अपॉइंटमेंट के टाइम पे। देन ये आपका इनकम का सर्टिफिकेट है वो भर दीजिए सेंड करने के लिए। फिर आगे देखिए जो आप बैकवर्ड क्लास में आते हो या कोई कास्ट में आते हो तो ये सब आपके पास तो ओरिजिनल रहेगा, तो उसका जेरोक्स करके आपको अटैच करके उसके साथ भेजना है, ठीक है फ्रेंड। ये पूरा प्रोसेस था कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है और सेंड करना है, आई होप मैंने अच्छी तरह से समझा दिया है। फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, एंड अगर आप एलिजिबल हो, इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ ये पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिए, या आपके कोई फ्रेंड एलिजिबल है तो उनके साथ शेयर कीजिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कीजिए। आप उसे क्लिक करोगे तो मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको उसके नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, ऑल द बेस्ट।